तो आज हम जून से लेकर अगस्त तक में आने वाली बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की 15 बड़ी फिल्मों के बारे में जानेंगे जो कि हिंदी भाषा में आने वाली है। सच में कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जो कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका लाएगी पक्का, तो एक भी फिल्मों को मिस मत करना। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर 15 पे है चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन दिखाई देंगे। ये फिल्म बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म है। बीएमसीएम और मैदान के बाद बहुत महीने बाद बॉलीवुड की कोई बिग बजट मूवी आ रही है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी ये बायोपिक फिल्म 14 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। जूते में अपनी शक्ल देख सके, समझे ना मुन्नो? नंबर 14 पे है कल की 2898 AD। ये फिल्म इस ईयर की सबसे बड़ी फिल्म है। इस एपिक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा दिखाई देंगी। फिल्म में प्रभास एक बाउंटी हंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म का फाइनली एक सॉलिड ट्रेलर आउट हो चुका है जो कि विजुअली काफ़ी शानदार लग रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये फिल्म फर्स्ट डे और ओवरऑल कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, आप सभी को लिखकर बताना है। फिल्म का बजट 600 करोड़ है। फिल्म मल्टीपल पार्ट में रिलीज होगी तो पहले पार्ट का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बड़ी पैन इंडिया फिल्म 27 जून को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। 13 पे है औरों में कहां दम था। ये फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी जिसको डायरेक्टर नीरज पांडे डायरेक्ट किए हैं जो कि कई अमेजिंग फिल्मों को बना चुके हैं। फिल्म के मेल लीड में अजय देवगन, तब्बू, जिमी शेरगिल के साथ कुछ और एक्टर्स दिखाई देंगे। फिल्म में हमें एक एपिक लव स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि 2002 से लेकर 2023 तक रिवॉल्व करेगी। कमाल की बात यह है कि फिल्म का म्यूजिक और स्कोर ऑस्कर विनिंग कंपोजर MM किरवानी सर कंपोज किए हैं। ये फिल्म 5 जुलाई को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। नंबर 12 पे किल। किल फिल्म को इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म कहा जा रहा है जिसमें हमको भरपूर खतरनाक लेवल का खून खराबा देखने को मिलेगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में लक्ष्य, राघव जुआल, ब्यूटीफुल तानिया मनिकताला लीड रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म की कहानी एक ट्रेन में सेट होगी। होपफुली फिल्म में हमें नॉनस्टॉप एक्शन देखने को मिले क्योंकि ऐसे मूवीज देखने में बड़ा मजा आता है। ये फिल्म 5 जुलाई को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नंबर 11 पर है उलझ। ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें जानवी कपूर, गुलशन देवैया, रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन लीड रोल्स में होंगे। फिल्म की कहानी एक यंग IPS ऑफिसर पर फोकस करेगी जिनका रोल जानवी कपूर प्ले कर रही हैं, जो कि एक खतरनाक पर्सनल कॉन्स्पिरेसी में फंस जाती हैं। जंगली पिक्चर्स की ये मच अवेटेड फिल्म 5 जुलाई को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नंबर 10 पर है इंडियन 2। ये फिल्म एक विजिलांटी एक्शन फिल्म होगी जो कि 1996 में आई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन का सीक्वल रहने वाली है जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया था। फिल्म में कमल हसन एक बार फिर से सेनापति के रोल को प्ले करेंगे जो कि वापस देश आते हैं और करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। कमल हसन की ये मच अवेटेड बिग बजट फिल्म जिसका बजट 250 करोड़ है, जो फिल्म 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। वैसे ये फिल्म हिंदी में हिंदुस्तानी 2 के नाम से आ रही है। नमस्ते इंडिया, हिंदुस्तान इज बैक। नंबर 9 पर है सरफिरा। ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म में अक्षय कुमार, राधिका मदन, परेश रावल दिखाई देंगे। फिल्म को ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर सुधा कोंगारा डायरेक्ट किए हैं। जी हाँ, ये फिल्म पावरफुल हार्ट टचिंग के साथ एक काफ़ी इंस्पायरिंग फिल्म सोरा रे पोट्रो उड़ान फिल्म की रीमेक होने वाली है। ये फिल्म को ऑडियंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर आई थी, वहीं ये रीमेक मूवी थिएटर्स में आने वाली है। तो क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी, सोरा रे पोट्रो जैसा धमाका कर पाएगी, आपको यस और नो करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। कमाल की बात यह है कि फिल्म में सुपरस्टार सूर्या का एक्सटेंडेड कैमियो होगा जो कि ओरिजिनल मूवी के लीड हीरो थे। सरफिरा फिल्म 12 जुलाई को थिएटर्स में देखने को मिलेगी।
नंबर 8 पर है बैड न्यूज। ये फिल्म एक क्रेजी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिस फिल्म में विकी कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी दिखाई देंगे। फिल्म को आनंद तिवारी डायरेक्ट किए हैं। वहीं धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म तैयार हुई है। 2019 की गुड न्यूज के बाद 2024 में बैड न्यूज आ रही है। फिल्म में हमें दो पंजाबी मुंडे और एक क्रिश्चियन हिंदू लड़की की कहानी देखने को मिलेगी। ये लड़की अचानक से अनएक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट हो जाती है। ये फिल्म 19 जुलाई को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नंबर 7 पर रायन। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिस फिल्म के लीड रोल में धनुष दिखाई देंगे। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर धनुष खुद हैं। ये इनकी दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है। इस रिवेंज फिल्म का बजट 100 करोड़ के ऊपर है। धनुष की ये फिल्म पहले जून के महीने में आने वाली थी पर अब ये मूवी जुलाई 26 को आएगी तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषा के अंदर। नंबर 6 पर है द साबरमती रिपोर्ट। ये फिल्म एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म इंस्पायर होगी ट्रू इवेंट से। 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस में जो हुआ था उसकी रियल स्टोरी फिल्म में हमें दिखाई जाने वाली है। 2 अगस्त के मौके पर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 5 पर है पुष्पा 2 द रूल। ये फिल्म इस साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है। कल की फिल्म के बाद फिल्म का बजट 500 करोड़ है जो ये फिल्म रिलीज से पहले ही रिकवर कर चुकी है। फिल्म की हाइप और एक्साइटमेंट लेवल पीक पर है। पार्ट 1 के एंड में पुष्पा बाऊ की दुश्मनी हो गई थी भनवर सिंह शेखावत से जो कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाला है पुष्पा से। ये दोनों का ईगो क्लैश देखने में सच में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी ये मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म 15 अगस्त के मौके पर आने वाली है बॉक्स ऑफिस पर रूल करने को। तो क्या ये फिल्म KGF 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस को बीट कर पाएगी? ये आप सभी को यस और नो करके बताना है कमेंट सेक्शन में। नंबर 4 पर है वेदा। जॉन अब्राहम की ये एक मासी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में सरवरी, तमन्ना भाटिया, अभिषेक बैनर्जी की रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इंस्पायर होगी ट्रू इवेंट से। 15 अगस्त 2024 के मौके पर ये फिल्म भी थिएटर्स में रिलीज होगी। वैसे 15 अगस्त का डेट जॉन अब्राहम के लिए हमेशा से ही लकी रहा है। सत्यमेव जयते बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, तो क्या ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी? ये देखने में बड़ा मजा आएगा। नंबर 3 पर है सरी पोदा शनिवारम। ये फिल्म नेचुरल स्टार नानी की आने वाली एक बड़ी विजिलांटी एक्शन फिल्म होगी जिसको प्रॉमिसिंग डायरेक्टर विवेक अत्रेया डायरेक्ट किए हैं जो कि नानी के साथ ऑलरेडी अंटे सुंदर निकी जैसी कमाल की मूवी बना चुके हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म में नानी के साथ प्रियंका मोहन और अजय सूर्या मेन लीड में होंगे। मे बी ये फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म होगी जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि हफ्ते के सिर्फ एक ही दिन शनिवार को ही फाइट करता है, अपने गुस्से को दिखाता है। ये फिल्म 29 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में। नंबर 2 पर है स्त्री 2। ये फिल्म 2018 में स्त्री का सीक्वल होगी जिस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। स्त्री इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर कॉमेडीज में से एक है, इसीलिए इस फिल्म के सीक्वल का हर कोई बेसब्री से वेट कर रहा है। अगर आप भी इस फिल्म का वेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को स्त्री 2 जरूर लिखना है। स्त्री 2 फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर के साथ पंकज त्रिपाठी, आपटशक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी दिखाई देंगे। साथ में वरुण धवन का भेड़ी के रोल में स्पेशल कैमियो होगा जिनका एक मजेदार कैमियो इसी यूनिवर्स की फिल्म मुंझा में भी था जिसको ऑडियंस से भरपूर प्यार मिल रहा है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो के हिसाब से फिल्म में हमें सरकटे का आतंक देखने को मिलने वाला है। डायरेक्टर अमर कौशिक के डायरेक्शन के अंदर बनी ये मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 30 अगस्त के मौके पर आने वाली है थिएटर्स में।
नंबर वन पर डबल स्मार्ट। डबल स्मार्ट एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जो 2019 में आई सुपरहिट मूवी स्मार्ट शंकर का सीक्वल होगी। इस फिल्म में राम पोती ने नहीं संजय दत्त काव्या ठाकुर मेन लीड में होंगी। फिल्म को पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट किए हैं। लाइगर के बाद ये मूवी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को अगस्त से लेकर सेप्टेम्बर तक में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये थी जून से लेकर अगस्त तक में आने वाली 15 बड़ी फिल्म है। वैसे पुष्पा 2 मूवी पोस्टपोन हो सकती है, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन पोस्टपोन होने वाली है ऐसी खबर आ रही है। तो आप लोग कौन सी फिल्म का वेट कर रहे हो लिख कर बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जान सकते हो जिसका रीमेक साउथ इंडियन सिनेमा में बन चुका है। सर लॉन्ड्री।